पिछले काफी समय से फैंस केजीएफ सीरीज की दूसरी फिल्म केजीएफ 2 का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म का फर्स्ट लुक पहले ही आउट कर दिया गया था और अब संजय दत्त के बर्थडे के दिन उनके कैरेक्टर का एक पोस्टर रिलीज भी कर दिया गया है। संजय दत्त फिल्म में निगेटिव कैरेक्टर अधीरा का किरदार निभा रहे हैं और उनका लुक बेहद खतरनाक है। इस पोस्टर में संजय दत्त कवच पहने हुए हैं और सिर पर टैटू भी है। पोस्टर में संजय दत्त के हाथ में एक तलवार भी दिख रही है। संजय दत्त ने ट्वीट कर फिल्म से अपने अधीरा लुक को शेयर करते हुए लिखा, इस फिल्म में काम करना मेरे लिए खुशी की बात है। इससे बेहतर जन्मदिन का तोहफा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फैंस के प्यार और उनके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय दत्त का ये खतरनाक लुक देखकर हर कोई हैरान है। बालों के स्टाइल से लेकर चेहरे पर बना टैटू और संजय दत्त का रोबदार लुक आपका ध्यान खींचने में पूरी तरह से कामयाब होगा। इससे पहले फिल्म अग्निपथ में संजय दत्त ने विलेन का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने कांचा चीना का रोल निभाया था। फिल्म में उनका खतरनाक अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया और अब ऐसे में अधीरा के किरदार में संजय दत्त का लुक इतना जबरदस्त है तो संजू बाबा के फैंस अभी से कितनी उम्मीद लगाकर बैठे होंगे ये तो आप समझ ही सकते हैं। पोस्टर को फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने भी शेयर किया है और फिल्म का भाग होने के लिए संजय दत्त का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में इस फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद भी जताई है। बता दें, इससे पहले केजीएफ 2 में अपने अधीरा रोल के बारे में बात करते हुए संजय दत्त ने कहा था, उनका यह किरदार एवेंजर्स के थानोस जैसा खतरनाक है। केजीएफ के सेकेंड पार्ट में भी लीड रोल में साउथ के सुपरस्टार यश होंगे। इसके अलावा इस फिल्म में रवीना टंडन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगी। नई फिल्मों की रिलीज अपडेट्स, न्यूज और ट्रेलर्स के लिए आप हमारे चैनल ओटीजे मीडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।